हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो पहला वीडियो है आपके तरह ही पहुंच जाए और आप उसको देख सके, उससे सीख सके। आज का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, एन एलिमेंट ई लूजेस वन अल्फा एंड टू बीटा पार्टिकल्स इन थ्री सक्सेसिव स्टेजेस, रिजल्टिंग एलिमेंट विल बी। एक एलिमेंट है, इसमें पहले अल्फा पार्टिकल को लूज किया है, बाद में टू बीटा सक्सेसिवली उसने लूज किया है, तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, उसका आइसोटोप रहेगा या आइसोबार रहेगा, ये हमको फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए हमको पता रहना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या है और बीटा पार्टिकल क्या है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में पहले जानते हैं। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ये है, ये हेलियम का न्यूक्लियस है, मींस न्यूक्लियस ऑफ हेलियम। हेलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन रहते हैं और दो न्यूट्रॉन रहते हैं, टू प्रोटॉन प्लस टू न्यूट्रॉन, टू प्रोटॉन प्लस टू न्यूट्रॉन, ये हो जाता है हेलियम का एटॉमिक मास। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर। अगर हम एलिमेंट को, अल्फा पार्टिकल्स को ए जेड मींस एटॉमिक मास, ए इज एटॉमिक मास एंड जेड इज एटॉमिक नंबर ऐसा लिखते हैं, तो अल्फा पार्टिकल एटॉमिक मास मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे दो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फोर, और जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से आएंगे दो, फोर टू अल्फा। दिस इज अल्फा पार्टिकल इमिशन। और दूसरा हमको जानना जरूरी है कि बीटा पार्टिकल क्या है, तो हम जानते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल इमिशन दो प्रकार के होते हैं, एक बीटा नेगेटिव इमिशन और बीटा पॉजिटिव इमिशन। यहाँ पे एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा पॉजिटिव इमिशन की नेगेटिव इमिशन है, तो हम लेके चलते हैं कि नेगेटिव इमिशन है। तो नेगेटिव इमिशन में अगर बीटा पार्टिकल्स इमिट हो जाता है तो एक जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वन न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर एक से जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन इंक्लूड होते हैं, तो सिर्फ प्रोटॉन प्लस वन, तो ऐसा टोटल उसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा। अभी हम देखते हैं अपना एलिमेंट, एलिमेंट को वो फॉर्म में लिख देते हैं, एजेड फॉर्म में, ए जेड, ए इज एटॉमिक मास, जेड इज एटॉमिक नंबर। अगर यहां से वन अल्फा पार्टिकल डिके हो जाता है, इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल डिके हो जाता है, इसका मतलब है एटॉमिक मास है वो चार से कम हो जाएगा, ए माइनस फोर, और उसका एटॉमिक नंबर दो से कम हो जाएगा, जेड माइनस टू। एटॉमिक मास चार से कम हो जाए क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन चले गए हैं, और जेड दो से कम हो जाएगा क्योंकि सिर्फ दो प्रोटॉन यहाँ से चले गए, तो जेड में सिर्फ प्रोटॉन माइनस करना है और ए में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस करना है। फिर से वन बीटा पार्टिकल डिके करता है, बीटा पार्टिकल डिके में एक न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, एटॉमिक मास विल रिमेन एज इट इज, जैसे कि वैसा रहेगा, कि जेड में जरूर चेंज होगा क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटॉन हमको मिल गया है, तो यहाँ पे जेड प्लस टू में प्लस वन करना पड़ेगा, जेड माइनस टू प्लस वन, तो ये हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू जेड
माइनस फोर छ माइनस वन, नया एलिमेंट हमको मिल गया है और सक्सेसिवली और एक बीटा एमिशन हमको करना है, माइनस बीटा एमिशन। फिर से बीटा एमिशन में एक जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मास नंबर चेंज नहीं होगा, एक जो एटॉमिक नंबर है वो प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर प्लस वन करते हैं तो जेड रहेगा, बाकी जैसे का वैसा, ए ए माइनस फोर और ए जेड। जो स्टार्टिंग का एलिमेंट था उसका एटॉमिक नंबर जेड था और एटॉमिक मास ए था। आफ्टर बीटा, आफ्टर अल्फा एंड टू बीटा एमिशंस हमको जो मिला है वो एलिमेंट्स मिला है जिसका एटॉमिक नंबर जेड ही है, चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मास नंबर चेंज हो गया है और चार से कम हो गया। अब ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप में क्या रहता है कि एटॉमिक जो नंबर है वो चेंज नहीं होता, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस किस में रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में ना डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे भी जो एटॉमिक मास है उसका जो डिफरेंस है वो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंस की वजह से आया है, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो वो जो एलिमेंट्स वो एक दूसरे के आइसोटोप्स हो जाएंगे। तो ये अपना आंसर था दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कुछ नया डाउट है आपके दिमाग में तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट सॉल्व कर सकूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करूं और आप देखें उसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।